स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो क्लास फोर एक्चुअली क्लास सिक्स चैप्टर फोर लेक्चर नंबर फोर। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर फोर्टीन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो जैसे कि आप लोग लेक्चर थर्टीन में देखें कि हम लोग फाइबर्स के बारे में पढ़े थे, कपड़ा किस चीज से बनता है, फाइबर से बनता है, फाइबर्स को कैसे कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर्स का वर्गीकरण, मतलब कि फाइबर्स को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं। इन द एंशियंट टाइम देयर वर ओनली ए फ्यू नेचुरल फाइबर्स अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। दरअसल है कि नेचुरल मतलब कि हम प्राचीन काल की बात करते हैं, तो उस समय कुछ नेचुरल फाइबर था जिससे अवेलेबल था, जिससे क्या बनता था, फाइबर्स बनता था। दिस कुड बी इजीली क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड प्लांट फाइबर, मतलब उसको उस समय आसानी से क्लासिफाई कर दिया गया था, किसमें, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स फाइबर्स में क्लासिफाई किया गया था एंशियंट टाइम में। मतलब कि जो एनिमल से प्राप्त होता था उसको हम लोग एनिमल्स फाइबर का नाम दिया गया, और जो प्लांट से प्राप्त होता था उसको प्लांट फाइबर्स का नाम दिया गया। तो इस तरह उस समय क्लासिफिकेशन किया गया था। हाउएवर फाइबर्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, फाइबर्स जो है सोर्स पर डिपेंड करता है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स टू इन विद द एडवांटेज ऑफ द वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स फॉल्स ब्रॉडली अंडर टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल एंड मैनमेड। मतलब कि इसको बाद में मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात जब बात हुआ, टेक्सटाइल फाइबर को मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ, आधुनिक वर्गीकरण जो हुआ फाइबर्स का, तो इस समय फाइबर्स को स्टूडेंट दो भागों में बांटा गया, एक नेचुरल फाइबर और एक मैनमेड फाइबर। मतलब कि नेचुरल फाइबर्स का मतलब हुआ कि जो गॉड गिफ्टेड था, मतलब कि जो हमको क्या मिला, प्लांट से प्राप्त हुआ, उसको हम नेचुरल फाइबर दिए। और जो मनुष्य के द्वारा जिस फाइबर को केमिकल प्रोसेस के द्वारा अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया या बनाया गया, उसको मैन मेड फाइबर नाम दिया गया। तो यहाँ हम देखिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब हुआ तो उस समय फाइबर्स को दो भागों में बांटा गया, नेचुरल और मैन मेड। तो मैन मेड की जब बात हुआ तो यहाँ पे टेक्सटाइल फाइबर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखते हैं हम इसको सब डिवीजन जब इसको करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं नेचुरल और मैन मेड को, तो टेक्सटाइल फाइबर देखेंगे उसको दो भागों में बांटेंगे, एक में नेचुरल फाइबर्स रखेंगे और एक में रखेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। मतलब एक में प्राकृतिक पदार्थ जो फाइबर्स है वह है, और एक जो आर्टिफिशियल मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है वह फाइबर्स है। तो हम देखते हैं नेचुरल फाइबर, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर्स जो होता है वह दो भागों में बांटा गया, एनिमल एंड प्लांट्स फाइबर। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि प्लांट से प्रोडक्ट होने वाला और एनिमल से प्रोडक्ट होने वाला। तो यहाँ प्लांट्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो प्लांट्स की जब बात की है तो यहाँ पर क्या आया, प्लांट्स में लीफ से जो चीज हमको प्राप्त होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए लीफ से प्राप्त होगा सीसम, सीसम प्राप्त होगा, फिर ये फाइबर है। फ्रूट से क्या होगा, क्वायर प्राप्त होगा, स्टीम से जूट प्राप्त होता है, जो आप लोग देखते हुए एग्जाम्पल जूट का देखे हैं, जैसे आप लोग पटुआ देखते हुए घर पे गांव पे, तो जूट होगा, और सीड से प्राप्त होगा कॉटन। तो इस तरह हमको प्लांट से जो प्राप्त हुआ वह है लीफ है, फ्रूट है, स्टीम है, सीड है, ये सब क्या है, ये सब से प्राप्त हुआ हम लोग फाइबर्स का नाम क्या है, सीसल है, क्वायर है, जूट है, कॉटन है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एनिमल्स जो होता है इससे प्राप्त होने वाला फाइबर्स जो होता है वह क्या है, दो है। एनिमल्स को हम बांटते हैं तो ये भी दो भागों में बंटता है, एक होता है स्टूडेंट्स उल, उसे क्या प्राप्त होता है लोगों, उल और सिल्क, उल और सिल्क की प्राप्ति होता है स्टूडेंट्स। तो एनिमल्स प्रोडक्ट फाइबर्स क्या हो गया, उल और सिल्क हुआ। तो इस तरह हम लोग नेचुरल फाइबर देखे, मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमको फाइबर दो तरीके से मिल सकता है, एक प्लांट्स के माध्यम से और दूसरा एनिमल्स के माध्यम से। अब एनिमल्स के माध्यम से क्या मिला ये भी देखे, और प्लांट्स के माध्यम से जो मिला वो भी देखा। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, तो आर्टिफिशियल फाइबर में देखते हैं
कि यह सिंथेटिक फाइबर्स कहा गया है इसको, मतलब कि इसको बनाया गया मनुष्य द्वारा। इसको दो भागों में ब्रॉडली रूप से बांटा गया है, एक है नायलॉन और दूसरा है पॉलिएस्टर। नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है यह आर्टिफिशियल फाइबर्स है। अब फाइबर्स कैन बी नेचुरली ऑकरिंग मैन मेड, मतलब जो मैन मेड होता है प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स होता है, जिसे उसमें देखेंगे नेचर प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। नेचर जो होता है हमको अलग अलग तरह के फाइबर्स को प्रोवाइड किया है, दैट कैन बी वेवन इनटू द क्लॉथ। उससे क्या होता है कपड़ा बनता है, उसी से हम कपड़ा बनाते हैं, वेवन करते हैं, बुनते हैं। ऑल द फाइबर्स इधर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि देखें जितने भी फाइबर्स हैं वो मुख्य रूप से हमको प्लांट्स और एनिमल्स से ही प्राप्त होते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में भी आप लोग देख चुके हैं, तो इस तरह हम लोग क्या पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के बारे में देखे। अब हम लोग देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, या नेचुरल फाइबर्स का जो टाइप है उसके बारे में देखेंगे। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में टाइप्स क्या है, तो 4 टाइप्स है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ऊन है, ये सब नेचुरल फाइबर्स। लेकिन अब ये नेचुरल फाइबर्स कॉटन जो है, कॉटन क्या है, कॉटन इज कल्टिवेटेड एज एनिमल्स सर्व्स विद द ब्रॉड लीव्स, दिस कल्टिवेटेड सर्व्स द अबाउट द 2 मीटर्स टॉल ओवर द ग्रोइंग पीरियड ऑफ 6 to 7 months, मतलब कि 6 से 6 months में कॉटन हमको प्राप्त होता है। तो वार्म एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट्स भी क्या होता है, जहाँ का क्लाइमेट्स कैसा होता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है, हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ द ओवर 16 degrees Celsius, मतलब कि 16 डिग्री सेल्सियस से ओवर टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ कॉटन होता है। अलोंग विद द ब्लैक ऑफ द सैंडी सॉइल आर द मस्ट suitable condition of for its growth, मतलब इसका ग्रोथ कहाँ होता है, जहाँ का sandy soil हो या black soil हो वहीं पे यह अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। अपर कॉटन नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ, इसके अलग अलग स्टेज की ग्रोथ के लिए कॉटन में कहते हैं बहुत ही पानी की आवश्यकता होता है, तब जाके हमको उससे क्या होता है कॉटन बॉल्स प्राप्त होता है। और इस तरह कॉटन जब हमको प्राप्त हो जाता है तो उसके वेव करते हैं स्पाइनिंग कॉटन यार्न, मतलब उसको स्पाइनिंग करते हैं, और स्पाइनिंग करने के बाद क्या होता है यार्न टू फैब्रिक्स, तब उससे फैब्रिक्स बनता है, और फैब्रिक्स बनने के बाद उससे कपड़ा का निर्माण होता है। उसी तरह जूट जो होता है, जूट की खेती भी उसी तरह होता है, यहाँ उसको पानी चाहिए जूट को ग्राफ्ट करने के लिए, सबसे पहले तो जूट हम लगाते हैं, लगाने के बाद उसको ग्राफ्ट करने के लिए स्टीम से अलग करने के लिए हमको क्या चाहिए वाटर चाहिए, वाटर में उसको कुछ दिन तक रखते हैं, रखने के बाद जब उसको निकालते हैं तो उसको स्टीम से अलग करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो जूट प्राप्त होता है। और इस जूट से क्या बनता है, तो इससे निर्माण होता है बोरा का, जो आप लोग देखते रहिएगा जूट का बोरा आता है। और उसी तरह सिल्क है, सिल्क हमको इस या कीड़ा से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है हमको सिल्क वार्म एक कीड़ा होता है उससे हमको प्राप्त होता है। इसको इसके लिए आज बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म भी बने हुए हैं जिसमें सिल्क को पाला जाता है और उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है, और उसको से सिल्क क्लॉथ का निर्माण होता है। उसी तरह हम ऊन के बारे में देखिए, ऊन की प्राप्ति जो होता है आप जैसे जानते हैं कि यह हेयर से होता है, एनिमल्स के हेयर से होता है, जैसे आप देखिए सीप जानते हैं सीप से ऊन की प्राप्ति होता है, और उसको वेविंग करके वेव करके साफ करके और उसे फैब्रिक से निर्माण देता है, फैब्रिक से क्या बनता है उनसे क्लॉथ बनता है जो हम लोग विंटर में पहनते हैं। इस तरह हम लोग टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स देखे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर दो तरह का होता है, एक नायलॉन होता है और एक पॉलिएस्टर होता है। तो नायलॉन जो होता है, नायलॉन के बारे में क्या देखें, तो नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स, ये दो क्या है सिंथेटिक फाइबर्स है। तो नायलॉन वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी डूपॉन्ट, कौन कंपनी था इसको डूपॉन्ट है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स DuPont जो था वो 1938 में इसके बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया। द टर्म नायलॉन टुडे रिप्रेजेंट द जेनरिक नेम फॉर द एनी लिनियर मैन मेड फाइबर्स, क्या है मैन मेड फाइबर्स है, नायलॉन आर द थर्मोप्लास्टिक
नायलॉन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, नायलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक इसको कहेंगे। दे बिकम ए प्रोग्रेसिवली सॉफ्ट एंड हीटिंग एंड अल्टीमेटली मेल्ट, मतलब कि यह सॉफ्ट होता है, यह जब हीटिंग होगा गर्म होगा तो यह अल्टीमेटली क्या हो सकता है, पघिल जाता है, मतलब कि यह क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। पॉलिस्टर वास्क इंट्रोड्यूस, देखिए पॉलिस्टर के बारे में, पॉलिस्टर वास्क इंट्रोड्यूस इन क्लॉथिंग इन द ईयर 1950, मतलब 1950 में लगभग हम इसको जाने पॉलिस्टर के बारे में। इट इज ऑल्सो नॉन एज मैन मेड फाइबर, ये भी क्या है, मैन मेड फाइबर ही है। पॉलिस्टर फाइबर्स इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कंडेंसेशन पॉलिस्टर कंटेनिंग द इजर लिंकेज फॉर्म द बिटवीन द हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इससे होता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो होता है उससे बनता है मोनोमर, एंड द कार्बोहाइड्रेट एंड एसिड ग्रुप ऑफ देन द अदर मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स पॉलिस्टर इज द फ्रीक्वेंटली बिलोंग टू द कॉटन टू इंप्रूव द मॉइस्चर। देखिए इस तरह हम लोग पॉलिस्टर के बारे में और नायलॉन के बारे में, यह दोनों मैन मेड फाइबर है। यह इंट्रोड्यूस हुआ कब, रूपर्ट के द्वारा, डुपॉन्ट के द्वारा 1938 में, और यह 1950 में इसके बारे में हम लोग जाने। इससे ग्लव्स का निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण होता है, इससे जो कॉटन होता है नायलॉन होता है, इससे पॉलिस्टर का कपड़ा बनता है। तो इस तरह हम जाने यह हीटिंग टेम्परेचर पे यह गल सकता है, यह बहुत गर्म होता है, यह मैन मेड फाइबर्स है। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब स्टूडेंट आप लोग जितने भी फाइबर्स के बारे में पढ़ाए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, इसके बाद में नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल, मतलब इस सब के डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, प्लस इसमें जो क्या अंतर डिफरेंस है इसको आपको देखना कंपलसरी है, तब जाके आपको पूरी तरह से चैप्टर को पढ़िएगा, कहीं भी दिक्कत होगा आपको सोल्यूशन मिलेगा मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 15, लेक्चर 15 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। थैंक्स।